हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश कंपटीशन स्टडी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मल लेटर डबल एक्शन के बारे में। और ऑलरेडी मैंने एक पार्ट ऑलरेडी बना के ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर डाल दिया हूँ, और मैं आज सेकंड पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो बेसिकली हम जो डिस्कस करेंगे, हम कंडीशनल सेंटेंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जरा देखना, इससे पहले मैंने वीडियो ऑलरेडी सेंड किया था, तो इसमें कंडीशनल सेंटेंस के बारे में ही मैंने टीच किया। तो आज हम पार्ट टू बना रहे हैं, आप लोग देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए सबसे पहले, इससे पहले जो मैंने आपको टीच किया था वो ये दो डबल एक्शन मैंने टीच किया था, साइमल्टेनियस डबल एक्शन और कंडीशनल डबल एक्शन। आज हम टीच करेंगे फॉर्मल लेटर डबल एक्शन, और ये पार्ट टू है। आप लोग गौर कीजिए, ठीक से देखते रहिए वीडियो को, वीडियो को अंत तक बने रहिए, तभी आपको हर चीज समझ में आएगी, अन्यथा दिक्कत होगी आपको समझने में। चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर, कि जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ पे, आई स्टडी अ बुक, आई स्टडी अ बुक बिफोर ही टेलीफोन मी। सबसे पहले देखना दोस्तों, इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है, ये डबल एक्शन का सेंटेंस है। हम इसे डबल एक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर दो काम हो रहा है, और यहाँ काम क्या है, एक काम यहाँ पर स्टडी का काम है, यहाँ पर टेलीफोन का काम है, यहाँ दो काम हो रहा है, इसलिए सेंटेंस को हम डबल एक्शन में रखते हैं। और हमने हेडिंग क्या दिया है, ये फॉर्मल लेटर डबल एक्शन। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो काम पहले होगा, जो घटना पहले होगी ये फॉर्मल एक्शन में आएगा, जो घटना बाद में होगी वो लेटर में आएगा। तो सेंटेंस को जरा देखने, ये बिफोर जो है, बिफोर से पहले का जो पार्ट होगा, दैट मीन्स जो काम पहले होगा फर्स्ट एक्शन में आएगा। तो आप याद रखेंगे, जो फर्स्ट एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जो एक्शन बाद में होगा वो सिंपल पास्ट में जाएगा। तो ये नियम है, बिफोर को पहचानने का नियम है, कि दो सेंटेंस के बीच में बिफोर होगा तो इसके जो पहले का जो पार्ट है, ये पहला एक्शन होगा, इसको हम बोल सकते हैं ये फर्स्ट एक्शन है। और यदि फर्स्ट एक्शन है तो जो काम पहले होगा ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। जैसे कि आप नियम जानते हैं पास्ट परफेक्ट क्या होता है, और पास्ट परफेक्ट जब भी कोई परफेक्ट टेंस होगा तो हम वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और ये सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होगा। बिफोर के बाद जो कोई एक्शन होगा, जो कोई घटना घटती है, तो ये जो पार्ट होगा ये सिंपल पास्ट होगा, और सिंपल पास्ट का फॉर्मूला ऑलरेडी आप जानते हैं, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूसरी फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाएंगे किसी भी एग्जाम में कुछ भी क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। जब तक आप, ये मैं बहुत छोटा सेंटेंस लिखा हूं, ये सेंटेंस बहुत ही छोटा है, लेकिन बेसिकली जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ये कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं, बिफोर से पहले का जो पार्ट होगा ये पहली घटना होगी, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, बिफोर से बाद का जो सेंटेंस होगा ये सिंपल पास्ट में जाएगा। अब जरा देखना है यहाँ पे, इस सेंटेंस को हम हिंदी ऐसे भी लिख सकते हैं, आई, आप जैसे यदि इस नियम पर हम सेंटेंस को रखेंगे तो आपका आंसर ये होगा, आई हैड स्टडीड अ बुक, बिफोर ही टेलीफोन्ड मी। सेंटेंस को जरा गौर कीजिए, आप लोग इस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछेगा, आपको यह समझना होगा कि सेंटेंस में यदि ये पार्ट आपका कंप्लीट होगा तो यहां देखकर यहां वर्ब सप्लाई करना है, यदि सेंटेंस में ये पार्ट कंप्लीट होगा तो यहां देखकर आपको यहां वर्ब सप्लाई करना है। जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं, आप एक चीज और आप लोग देखिएगा, सेंटेंस में बिफोर हो या नीचे में वेन का प्रयोग हो, ये दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, सेंटेंस को, ये इसका पार्ट सिंपल पास्ट में जाएगा, ये काम इधर पास्ट परफेक्ट में जाएगा। मैं दो एग्जांपल लेकर देखता हूं आपको यहां पे, शी कुक फूड बिफोर, या नीचे में आप वेन का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, बिफोर हर हस्बैंड went to market। इस एग्जाम्पल को जरा देखना आप यहां पे, इस सेंटेंस में आप एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन पूछ दिया है इस तरह से, इसका आंसर हम कैसे बनाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। हमने क्या कहा, ये डबल एक्शन है, जब ये डबल एक्शन है तो हमने ये भी बात कही है कि एक पार्ट आपका कंप्लीट होगा, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट है, और ये जो पार्ट है ये सिंपल पास्ट में है, तो इस पार्ट को देकर हमको यहां पर वर्ब सप्लाई करना होगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे होता है, यहां पर कुक्ड का प्रयोग हो जाएगा, यहां पर हैज कुक्ड होगा,
ये थर्ड ऑप्शन में होगा, कुकिंग कर दे कुछ भी कर सकता है, और फोर में यहां पर हैड कुक्ड होगा। तो दोस्तों जरा आप गौर कीजिएगा, मैं आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, एक चीज को क्लैरिटीज के साथ समझिए। यहां पे इस सेंटेंस को जरा देखना, ये डबल एक्शन है और हमने नाम क्या दिया है, फॉर्मल लेटर डबल एक्शन। और ये फॉर्मल लेटर डबल एक्शन है तो ये काम पहले हो चुका है। शी कुक फूड बिफोर हर हस्बैंड वेंट टू मार्केट, मतलब उसके हस्बैंड तो मार्केट जाने से पहले वो खाना बना चुकी थी, ये इसका हिंदी मीनिंग होगा। तो अब यहां पर क्या करेंगे, इस सेंटेंस को सिंपल पास्ट में ऑलरेडी है तो यहां जो आपका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू रूल आप क्या करोगे, पास्ट परफेक्ट में रखोगे और आपका आंसर यहां पर क्या होगा, यहां पर हैड कुक्ड होगा, ये चीज को समझना होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। ये तो एक नियम हुआ, इसी में हम दूसरा नियम जरा आप लोग देखिएगा। सपोज हम यहां पर क्या करते हैं, इस बिफोर और इस वेन को हम हटा दिए। सपोज हम बिफोर और वेन को हटा दिए, अब जरा देखना यहां पे, और यदि सेंटेंस में हम यहां पर रखते हैं आफ्टर का प्रयोग, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब ये कंप्लीट नियम चेंज हो गया यहां पर। अभी मैंने एक चीज आपको कही है कि जो सेंटेंस में जो काम पहले होगा वो सेंटेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होगा वो सेंटेंस होगा सिंपल पास्ट में। तो आप लोग जरा देखेंगे यहां पे, जब ये बिफोर था तो बिफोर से पहले का जो एक्शन था, पहला एक्शन था, जो पहला एक्शन होगा वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जो सेकंड एक्शन होगा जो घटना बाद में घटेगी वो सिंपल पास्ट में जाएगा। तो जरा गौर कीजिए, ये जो सेंटेंस ये आफ्टर है तो आफ्टर के बाद जो सेंटेंस आएगा ये फर्स्ट एक्शन होगा, और यदि फर्स्ट एक्शन होगा तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। जैसा कि अभी मैंने आपको नियम ऑलरेडी दिखा दिया हूं, मैं फिर से यहां पर लिखता हूं, ये सब्जेक्ट हेड प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होगा, और आफ्टर से पहले का जो सेंटेंस होगा ये सेंटेंस यहां पर क्या होगा, ये एक्शन टू होगा, मतलब ये घटना बाद में घटेगी। तो आपका सेंटेंस ये सिंपल पास्ट में जाएगा, और ये सिंपल पास्ट में जाएगा तो सेंटेंस जो होगा ये सब्जेक्ट होगा और ये वर्ब की दूसरी फॉर्म होगा। आप लोगों को समझना होगा, बार बार मैं एक चीज को फिर से बता रहा हूं, यदि ये बिफोर होगा और यह वेन होगा तो इसके पहले का जो पार्ट होगा, जो फर्स्ट एक्शन होगा, ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यदि सेंटेंस में दोनों ना रहकर यदि आफ्टर का प्रयोग किया गया हो तो इस कंडीशन में आप क्या करते हैं, आफ्टर के बाद का जो सेंटेंस होता है ये पास्ट परफेक्ट होगा, और नियम आपका ये होगा, और इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। तो जरा देखना आप लोग यहां पे, इसी सेंटेंस में हम सेंटेंस कैसे वर्ब को सप्लाई करते हैं, अभी मैं आपको समझा रहा हूं, फिर दो चार एग्जांपल हम लिख कर आपको बताते हैं इस पर आप कैसे सेंटेंस को बनाते हैं। तो ये सेंटेंस यदि सिंपल पास्ट में होगा, क्योंकि एक्शन टू होगा तो सिंपल पास्ट होगा, तो आपका आंसर यहां पर स्टडीड हो जाएगा। और सेकेंड जो पार्ट होगा, ये जो एक्शन फर्स्ट है, यहां पर हम क्या करेंगे, हैड टेलीफोन्ड करेंगे। तो इस तरह से सेंटेंस को बनाना होगा। एक नियम और देखना यहां पर, एक चीज और मैं बताता हूं, यदि सेंटेंस के शुरू में बिफोर का प्रयोग किया गया है, बिफोर ही अंडरस्टैंड एनीथिंग, बिफोर ही अंडरस्टैंड एनीथिंग ही हैड अब्यूज्ड हिम, ही अब्यूज्ड हिम। अब जरा देखना सेंटेंस को, और एक चीज समझने की बात है कि सेंटेंस का प्रयोग यदि बिफोर का प्रयोग और आफ्टर का प्रयोग हम बीच में कर दिए तो आपको क्लैरिटी समझ में आ गई कि ये पहले पास्ट परफेक्ट होगा या सिंपल पास्ट होगा, यदि आफ्टर का प्रयोग होगा तो ये पास्ट परफेक्ट होगा ये सिंपल पास्ट होगा, जैसा कि मैंने डायग्राम बनाकर भी आपको बताया। लेकिन सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग पहले होगा तो यू नो इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, हमें वर्ब कैसे सप्लाई करना होगा, एक चीज को जरा गौर करेंगे। यदि सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग पहले होगा तो पहले वाला जो पार्ट होगा वो सेकंड एक्शन में जाएगा। सेकंड एक्शन मतलब क्या हुआ, ये काम बाद में होगा और बिफोर के बाद का जो एक्शन है ये एक्शन फर्स्ट होगा। तो देखना यहां पर, गाली देने का काम पहले हुआ है तो जो काम पहले होगा ये फर्स्ट एक्शन होगा, और यदि फर्स्ट एक्शन होगा तो मतलब पहला काम हुआ, फर्स्ट वर्क हुआ, और यदि फर्स्ट वर्क हुआ तो सेंटेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट में, जैसा कि नियम अभी आपको बताएं, ये नियम है और आप लोग लिख सकते हैं यहां पर, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। और ये जो सेंटेंस बाद में हुआ, ये घटना बाद में घट रही है तो ये तो आपका सेकंड एक्शन हो गया, और यदि सेकंड एक्शन होगा तो आपका सेंटेंस जो है ये सिंपल पास्ट में जाएगा, और यदि सिंपल पास्ट में जाएगा तो वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो जरा देखिएगा आप लोग,
कंफ्यूज मत होना है, बराबर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कोई भी किताब उल्टा के देखिए, जो भी फॉर्मूला मैं आपको टीच करता हूं आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगी चीजें। और हर कोई भी किताब ले लीजिए, आप कोई भी ग्रामर की बुक ले लीजिए, चाहे केपी ठाकुर है या पैरामंट है या लुसेंट है, आप जो है जैसे टेंस का एक्सरसाइज बना के देखिएगा जो फॉर्मूला मैं आपको टीच करता हूँ। यदि इस पर कोई दिक्कत आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं मैसेज को, या टेलीफोन भी मुझे कर सकते हैं, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। लेकिन जहां तक मुझे यकीन है कि जो भी चीज मैं आपको टीच करता हूँ 100% आपका समाधान हो जाए। लैंग्वेज की बात है, दो चार चीज एक्सेप्शन होते ही है, वो जो आपको समझना होता है बाद में, और समय विद पैसेज ऑफ टाइम आप समझ जाएंगे यहाँ पे। तो कम टू द पॉइंट, सेंटेंस में यदि बिफोर का प्रयोग पहले है तो ये जो एक्शन होगा ये सिंपल पास्ट में जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, बिफोर ही अंडरस्टूड एनीथिंग, बिना कुछ समझे ही अब्यूज्ड हिम, तो ये सेंटेंस क्या जाएगा, यहां पर हैड अब्यूज्ड का प्रयोग करेंगे और इस तरह से क्या होगा, ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में जाएगा। बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डबल एक्शन है। जितने भी कंडीशनल पार्ट है, जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेज आपको हम टीच कर रहे हैं, ये सभी क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस को आप लोग बनाएंगे। आप लोग याद रखिएगा, सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग यदि पहले होगा तो ये सेकंड एक्शन जो होगा सिंपल पास्ट में जाएगा, इसके बाद का जो फर्स्ट एक्शन होता है ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, जो नियम इस अनुसार से है जो आपको समझना होगा। एक चीज में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको, अब इसे देखना, सेंटेंस में आपने बिफोर का प्रयोग देखा, आफ्टर का प्रयोग देखा, फिर सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग हम शुरुआती में कैसे करते हैं, जो अभी अभी आपको मैंने सारी चीजें बताई है। अब एक एग्जांपल जरा देखना, यदि सेंटेंस में है बाय द टाइम ही रीच द थिएटर, आप लोग मेरे चैनल को देखते रहिए, YouTube पर जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ किस चीज को देखेंगे आपको समझ में आएगी सारी चीजें, और शुरू से अंत तक आप जब वीडियो देखेंगे तो हर चीज आपको क्लैरिटी में आएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, जो भी समस्या हो आप ओरिजिनल फीडबैक हमें दीजिए, कोई तारीफ की जरूरत नहीं है मुझे, जो सही में फीडबैक देंगे उस अनुसार से मैं अपने में इंप्रूवमेंट लाना चाहूंगा और अकॉर्डिंगली मैं आपको पढ़ाना पसंद करूंगा। तो बाय द टाइम ही रीच द थिएटर द शो ऑलरेडी स्टार्ट। अब जरा देखना इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, आपने ये बिफोर का प्रयोग देखा, आफ्टर का प्रयोग देखा, बिफोर का प्रयोग देखा, तो जरा गौर करेंगे यदि सेंटेंस में बाय द टाइम का प्रयोग होगा तो बाय द टाइम जिस तरह से बिफोर का प्रयोग हुआ है उसी तरह से सेंटेंस में बाय द टाइम का प्रयोग है, सेंटेंस का शुरू इस तरह से इनिशिएशन इस तरह से सेंटेंस शुरू है बाय द टाइम से, तो आप क्या करेंगे इसमें भी वही चीज को देखना। मैंने पहले ही हेडिंग डाला है ये फॉर्मल लेटर डबल एक्शन, जब ये फॉर्मल लेटर डबल एक्शन होगा तो जो काम पहले होगा, जो एक्शन पहले होगा पास्ट परफेक्ट में जाएगा। तो ऐसे भी नियम याद रखना, बिफोर से जो सेंटेंस शुरू होता है तो पहले वो सिंपल पास्ट में आएगा, सेम नियम यहां भी काम करेगा। सेंटेंस में बाय द टाइम का प्रयोग होगा तो ये जो पार्ट होगा ये सिंपल पास्ट में जाएगा आपका, मतलब सिंपल पास्ट में जाएगा तो सोचने वाली बात है ये सेकंड एक्शन होगा, और अभी अभी मैंने बताया जो सेकंड एक्शन होगा ये सिंपल पास्ट लेगा, और सिंपल पास्ट लेगा तो देखना यहां पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की दूसरी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसके बाद का जो पार्ट है ये काम पहले हो रहा है तो ये जो पार्ट होगा ये एक्शन फर्स्ट है, इसको हम लिख सकते हैं फर्स्ट एक्शन। और जो काम पहले होगा दोस्तों आप याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूं, एक एक चीज को मैं इम्फेटिकली बोल रहा हूं, जो फर्स्ट एक्शन होगा जो काम पहले होगा ये सेंटेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और जब पास्ट परफेक्ट में जाएगा तो जैसे कि आप जानते हैं जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होता है, तो अब यहां पर क्या करोगे सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, हैड होगा, और ये वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग होगा। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं दोस्तों मैं ये स्पोकन सिखाने के लिए नहीं बना रहा हूं, मेरा कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना एक टारगेट है कि जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, जो भी बैंक क्लर्क है या पीओ का बैच है या एसएससी है, एयरफोर्स है, नेवी है, या जो भी कंपटीशन लेवल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, श्योर मैं जो भी टीच करता हूं एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि मैं 10 साल से पढ़ाया हूँ, 10 साल तक मैंने पढ़ाया है, अभी भी मैं दिल्ली में पढ़ा रहा हूँ। तो देखना यहाँ पे कि ये चीज आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो जरा देखिए यहां पे सेंटेंस में बाय द टाइम होगा तो कैसे सेंटेंस में वर्ब सप्लाई करना है, तो एक नियम याद रखना, बाय द टाइम से सेंटेंस शुरू होगा तो सिंपल पास्ट में जाएगा, इसके बाद का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में जाएगा। यदि इससे भी क्लैरिटी आपको नहीं हो
तो जरा 1% माइंड अप्लाई करना कि जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट लेगा, जो काम बाद में होगा वो सिंपल पास्ट लेगा। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों। अब ये जो सेंटेंस हैगा बाय द टाइम ही रीच्ड द थिएटर, ये सिंपल पास्ट जाएगा, तो आगे का जो पार्ट होगा ये पास्ट परफेक्ट होगा और आपका आंसर क्या होगा, द शो हैड ऑलरेडी ये स्टार्टेड। ओके, तो ये सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे और आपको क्या करना है, ये सेंटेंस को समझना है और इस तरह से जो फॉर्मल डबल एक्शन है यहां पर हम क्या करेंगे, एक इस नियम पर आपको एक सेंटेंस को आपको बनाना है। इस तरह से मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं और आपको समझना है और इसी पैटर्न पर आपको सेंटेंस सॉल्व करना है। तो मैं स्टूडेंट्स वंस अगेन हियर कि मैंने जो भी चीज आपको टीच की है, जैसे कुछ फॉर्मेलिटी डबल एक्शन के बारे में जो भी नियम अभी आपको मैंने बताया है और पार्ट वन वीडियो कंडीशनल सेंटेंस के जो पार्ट वन वीडियो है उसमें भी मैंने दो चीज के बारे में डिस्कस की थी आपके साथ। तो देखना उसी पैटर्न पर हमने कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी यहां पर तैयार किए हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो जरा देखना जो चार डबल एक्शन मैंने आपको टीच की है, कंडीशनल डबल एक्शन, साइमल्टेनियस डबल एक्शन और इसके बाद ये फॉर्मुलेटेड डबल एक्शन, मैंने सिर्फ तीन डबल एक्शन आपको टीच किए हैं। जरा आप लोग देखना उसी पैटर्न पर ये 10 क्वेश्चन हमने लिखे हैं और ये ऑलरेडी 10 क्वेश्चन सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। बस देखना कि जो डबल एक्शन है इसमें कैसे वर्ब सप्लाई करेंगे हम आपके साथ साथ है और देखना कैसे सेंटेंस यहां पर आप बनाओगे। व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज ही फाउंड दैट द न्यूज अबाउट हिम प्रीसीड हिम, तो इस सेंटेंस में कैसे सेंटेंस में ये वर्ब कैसे सप्लाई करेंगे, तो जरा आप लोग सोचना, जस्ट अप्लाई योर माइंड, मैं तो बता ही दूंगा आप लोग को। तो सबसे पहले देखना इस सेंटेंस में यहां पर दो डबल एक्शन है, व्हेन आनंद रीच्ड हिज विलेज, वैसे भी मैंने कहा था मतलब सेंटेंस में बिफोर और व्हेन हो तो वो वाला जो पार्ट होता है सिंपल पास्ट में जाएगा। तो नियम क्या है, आगे का जो पार्ट होगा ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, द न्यूज अबाउट हिम हैड प्रीसीडेड। ये जो सेंटेंस है ये पास्ट परफेक्ट है जो फॉर्मल रिलेटेड डबल एक्शन के अंतर्गत आएगा। ओके, गॉट द पॉइंट, ये भी नियम पर आपके सेंटेंस है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना, बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो जरा इस एग्जाम्पल को जरा आप लोग देखिएगा यहाँ पे, ये जो सेंटेंस है जो आपको मैंने बताया था कि सेंटेंस में ये जो एग्जाम में जो पूछे गए क्वेश्चन कैसे हैं, यहां पर ऑलरेडी सेंटेंस यहां पर पास्ट परफेक्ट है तो आपको यहां पर वर्ब सप्लाई करना है। एग्जाम में जब कभी भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन तो होगा ही, लेकिन चार आपके ऑप्शन होंगे, उस ऑप्शन को देखकर आपको क्लिक करना होगा। तो ये सेंटेंस यहां पर ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है, तो यदि ये पास्ट परफेक्ट है तो ये सेंटेंस जाएगा सिंपल पास्ट में। और आपको हम बताए थे नियम, डायग्राम बना के भी बताए थे, जब सेंटेंस बाय द टाइम से होगा तो ये सेकंड एक्शन होगा जो सिंपल पास्ट में जाएगा और जो फर्स्ट एक्शन होगा जो पास्ट परफेक्ट में जाएगा और आपका आंसर यहां पर क्या होगा, आई रीच्ड द थिएटर जो स्टेशन जो भी है, तो आपका आंसर यहां पर सिंपल पास्ट में जाएगा। ये भी सेंटेंस नियम पर आ गया। आगे देखना, he had come to my house before he get up, जरा देखना यहां पे सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग है और आपको मैंने कहा था डायग्राम बना के बिफोर के पहले का जो पार्ट होगा ये पास्ट परफेक्ट होगा, बिफोर के बाद का जो पार्ट होगा ये सिंपल पास्ट होगा। he had come to my house before he get up, तो बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट है, नियम क्या जाएगा, ये सिंपल पास्ट में जाएगा, आपका आंसर यहां पर क्या होगा, got up होगा। देखना बता, और इसके बाद देखना, आई वॉश माई हैंड व्हेन द बेल रैंग, वेन के बाद ये सेंटेंस यहां पर सिंपल पास्ट है, आपका आंसर यहां पर पास्ट परफेक्ट में जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, आई हैड वॉश्ड माय हैंड। फिर आगे देखना, आई सी हिम आफ्टर ही फिनिश्ड हिज वर्क, आपको देखना दोनों साइड आपको वर्क सप्लाई करना है, आफ्टर के बाद का जो पार्ट होता है ये पास्ट परफेक्ट है, आपका आंसर क्या होगा, आई हैड फिनिश्ड हिज वर्क, इससे पहले का जो पार्ट होगा ये सिंपल पास्ट होगा, आपका आंसर यहां पर सा होगा। बाय द टाइम आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लीव, ये सेंटेंस यहां पर सिंपल पास्ट है, आगे का जो पार्ट होगा ये पास्ट परफेक्ट है, आपका आंसर ये लेफ्ट आ जाएगा यहां पे। इसमें देखना एज सून एज, ये ऑलरेडी जो दो चार एग्जांपल है जो ऑलरेडी मैंने पार्ट वन कर लिया हूं उसी पैटर्न पर आपको सॉल्व करना है। एज सून एज द ट्रेन कम देयर विल बी रश फॉर द सीट्स, ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर है, तो ये कंडीशनल पार्ट का सेंटेंस है, कंडीशनल डबल एक्शन जो आपको टीच किए थे, और ये सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, आपका आंसर यहां पर कम्स होगा क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसमें जो है ये सेंटेंस यदि सिंपल फ्यूचर है कंडीशनल डबल एक्शन का, तो ये आगे का सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में जाएगा, आपका आंसर क्या होगा, द करप्शन विल श्योरली फिनिश, ये सेंटेंस सिंपल फ्यूचर में जाएगा। इसमें देखना आई सॉ हिम, ये सेंटेंस यदि सिंपल पास्ट में है तो आगे का पार्ट आप क्या करेंगे,
ये साइमल्टेनियस डबल एक्शन में आ जाएगा, ही वॉज रनिंग कर देंगे, आपका आई एन जी यहां पर लग जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आई सॉ हिम व्हेन ही वॉज रनिंग, मैंने उन्हें देखा जब वो आ रहा था, ये साइमल्टेनियस डबल एक्शन है। एज एज ए गो टू मार्केट इट स्टार्टेड टू रेन, ये सेंटेंस साइमल्टेनियस डबल एक्शन का है, ये पार्ट ऑलरेडी सिंपल पास्ट है, तो आगे का जो पार्ट होगा ये पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, वाज गोइंग टू मार्केट। ये सॉल्व करने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और खुद से क्वेश्चन बनाना सॉल्व कीजिए, उसके बाद देखना, आप नहीं बनाए तो ऑलरेडी मैंने सोल्यूशन दे ही दिया है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, आपको हर चीज समझ में आएगी, कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, हर क्वेश्चन का समाधान करेंगे। थैंक यू। और आप कंडीशनल डबल अभी बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ाने हैं जो आगे वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। ओके।